हेलो फ्रेंड्स, किरण नेटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे व्यूवर्स की ये फरमाइश थी कि बच्चों के लिए कोई दो रंगों वाला अच्छा सा पैटर्न बताया जाए। तो फ्रेंड्स, ये बुनने में बहुत इजी पैटर्न है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है और आपको सब पूछेंगे ये आपने कहाँ से डाला है, और आपका डिज़ाइन देखकर ये कोई भी डाल नहीं पाएगा। आप बताओगे तब भी ये डिज़ाइन वो डाल पाएगा। तो अलग सा पैटर्न है ये बच्चों के लिए, आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के स्वेटर पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बेबी से लेके 10-12 साल तक के बच्चे पर ये बहुत ही खिल के आएगा डिज़ाइन। दो रंगों में आप किसी भी में भी इसको डाल लीजिए। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये कि आपको एक ही तरह की वूल लेनी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरी वूल जो ग्रीन है वो थोड़ी अलग है, और ये जो क्रीम वूल है ये थोड़ी अलग है। यानी कि एक ही कंपनी की आपको एक ही क्वालिटी की वूल लेनी है। जैसे जितनी ये मोटी हो उतनी ही ये वाली मोटी होनी चाहिए, अलग अलग वूल नहीं लेनी है। ये वूल जो मेरी है ये थोड़ी बारीक है, ये मोटी है, तो इसमें ये डिज़ाइन इतना बढ़िया बन के नहीं आता है। आपको एक ही क्वालिटी की मोटी जो हो वैसी वाली वूल लेनी है। अगर आप ऐसी वाली थोड़ी मोटी वूल लेते हैं तो आपको 9 नंबर की नीडल्स इसमें इस्तेमाल करनी है मोटी वाली वूल पे। अगर आप बारीक लेते हैं थोड़ी, तो आपको 10 नंबर की नीडल्स पे ये डिज़ाइन बुनना है। तभी ये, जब आपकी वूल एक जैसी होगी तभी ये डिज़ाइन खिल के आएगा। नहीं तो अगर मान लो आपकी ग्रीन मोटी है तो आपका ये डिज़ाइन ग्रीन कलर का वूल ही खा जाएगा, क्रीम बिल्कुल भी दिखेगा ही नहीं इसमें, तो डिज़ाइन आधा अधूरा सा लगेगा। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप इसमें सिलाइयों का और वूल का बहुत ध्यान रखिए, तभी ये डिज़ाइन आपका बहुत ही सुंदर बन के आएगा। मोटी वूल के लिए 9 नंबर की नीडल्स लगाइए, अगर बारीक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 नंबर की नीडल्स लगाइए, और वूल आपकी एक जैसी ही होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बुनना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए लिए है मैंने 29 स्टिचेस, यानी कि 29 फंदे। ये डिज़ाइन 3-3 के मल्टीपल पे चलता है। आप 3-3 के मल्टीपल करके +2 कर लेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है आपके प्रोजेक्ट पे आराम से सेटल हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने ये फंदे इसके डिज़ाइनर डाल के इसमें मैंने सीधी सीधी ये 6 रोज़ का बॉर्डर दिया है। सीधी सीधी 6 सिलाइयाँ इसमें मैंने डाली हैं इसको बेस देने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसका डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। रो 1 है ये, राइट साइड। यहाँ देखिए, मैंने इसका कलर जो है दूसरा अटैच कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, यहाँ पे देखिए ऐसे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, दिखने में थोड़ा सा टफ लगता है बट आप बुनेंगे तो बहुत ही इजी है। ये देखिए, 2 आप सीधे बुन लीजिए, 1 स्लिप कर लीजिए, 2 सीधे फंदे बुन लीजिए, 1 स्लिप कर लीजिए। ये देखिए ऐसे ऐसे ही आपको इतना जो है ये आपको रिपीट करते जाना है इस रो में पूरी में। 2 आप सीधे बुनिए, 1 स्लिप कर लीजिए। ऐसे आपको स्लिप करना है, ऐसे नहीं करना है, पर्ल वाइज आप इसको स्लिप करेंगे। 2 निट 1 स्लिप पर्ल वाइज। देखिए ऐसे, जितने भी आपके पास फंदे हों सारे आपको ऐसे ही बुनने हैं। ये देखिए ऐसे, लास्ट में आपके पास 2 ये बुने हुए फंदे आ जाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये रो 1 राइट साइड हमने बुन के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं, 2 सीधे ग्रीन से बुनेंगे, जो भी आप कलर लगाएंगे, 1 स्लिप 2 बुनेंगे, 1 स्लिप 2 बुनेंगे, ऐसे ये रो पूरी कंप्लीट कर लीजिए। रॉन्ग साइड में हम रो नंबर 2। देखिए फ्रेंड्स, इसकी रॉन्ग साइड वाली जो रोज हैं बहुत ईजी हैं। इसमें क्या आपको करना है कि जो आपने बुने हैं फंदे उधर से सीधे, इधर से भी आपको सीधे बुनने हैं। हर रो में आपको ऐसे ही करना है,
बुने हुए फंदे आप सीधे बुनेंगे और धागा अपनी तरफ लाके इस फंदे को आप स्लिप कर लेंगे। फिर से धागा उधर को ले जाएंगे, बुने हुए फंदे सीधे बुन लेंगे, उधर से भी आपने सीधे बुने हैं, धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप कर लेंगे। हर उल्टी रो में आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए, बुने हुए फंदों को आपको सीधा बुन लेना है और स्लिप करे हुए फंदे को धागा अपनी तरफ लाके स्लिप करके फिर से धागा वापस करना है पीछे को। देखिए ऐसे, ये एक रो जो रोंग साइड वाली है ये मैं आपको पूरी बता देती हूँ। जब हम अगली रोज बुनेंगे तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ये देखिए, सिर्फ आपको ये दो फंदे सीधे बुनते जाना है जो आपने बुने हुए हैं, और धागा आगे लाके फंदा स्लिप करके फिर धागा पीछे को करके आपको बुने जाना है। देखिए ऐसे, इसी के साथ फ्रेंड्स रो नंबर 2 जो है रोंग साइड वाली बुन के कंप्लीट कर ली हमने। देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड में हम रो नंबर 3 है, इसमें दो दो सिलाइयाँ एक रंग की आएंगी। जैसे हमने ग्रीन की एक सीधी सिलाई पे कर लिया, एक हमने रोंग साइड पे इसका कर लिया, दो दो सिलाइयाँ आपको एक रंग की इसमें डालनी है। अब ध्यान से देखिए आप कैसे करेंगे। एक फंदा आप सीधा बुन लीजिए यहाँ पे, और इसका एक ही सीधा सा फंदा है, बहुत आसान। आपको क्या करना है कि जो आपने स्लिप करा हुआ फंदा है उसके पहले वाला फंदा आपको स्लिप करना है। ये देखिए, ये मैं आप स्लिप कर लूँगी, तो फिर आप आगे आपको वैसे ही बुनते जाना है जैसे हमने फर्स्ट रो में बुना था। ये देखिए, एक मैंने स्लिप करे हुए फंदे से पहले वाला फंदा स्लिप किया, फिर दो सीधे बुने, 1 और ये 2। ये देखिए, अब आपको यही करते जाना है, फंदा स्लिप कर लेंगे, 1 2। देखिए, स्लिप करे हुए फंदे से पहले वाला फंदा आपको स्लिप करना है, 1 2। ये देखिए ऐसे आपका आएगा, जो आपने स्लिप कर रखा था, जैसे ये क्रीम हमने स्लिप कर रखा है उसके पहले वाला फंदा आपको स्लिप करना है, और दो दो बीच में अपने आप सीधे फंदे आ जाएंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है, दिखने में बहुत सुंदर लगता है डाला हुआ, और ऐसे लगता है कि कितना का टफ डिज़ाइन होगा ये। ये देखिए, दो आप बुने जाएंगे, एक स्लिप करे जाएंगे, दो बुनने जाएंगे आपके सीधे। बुनने का तरीका वैसा ही रहेगा, इसमें देखिए दो आपको बुनने, एक स्लिप करना है, बट जो आपने स्लिप करा हुआ फंदा उसके जस्ट पहले वाला आपको स्लिप करना है। ये देखिए ऐसे, अब देखिए यहाँ पे ये तीनों फंदे जो हैं ये क्रीम कलर के आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला लास्ट फंदा हम स्लिप नहीं करेंगे, तो इसको हम बुन देंगे। इसी के साथ रो 3 हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। रॉन्ग साइड में हम रो नंबर 4 है इसकी। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है कि जो आपके फंदे बुने हुए हैं उनको आपको सीधे बुन लेना है, जो आपने उधर से बुने हैं। ये देखिए, जितने भी होंगे उनको सीधे बुन लेंगे, धागा आगे लाएंगे, ये वाला फंदा आप स्लिप करेंगे, धागा पीछे को ले जाएंगे, फंदे सीधे बुन देंगे। रोंग साइड वाली सारी जो सिलाइयाँ ऐसी ही आएंगे आपके। ये देखिए, बुने हुए फंदों को आपको सीधा बुनना है और स्लिप करे हुए फंदे को धागा आगे लाके स्लिप करना है, और फिर से धागा पीछे को ले जाके बुने हुए फंदे को सीधे बुनना है। ऐसे ही करते हुए फ्रेंड्स आप ये रो कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ईजी है ये। राइट साइड में हम रो नंबर 5 है, अब हम ग्रीन कलर से बुनेंगे फ्रेंड्स। वही फंडा है इसमें कि आपको स्लिप करे हुए फंदे से पहले वाला स्लिप करना है, बट फ्रेंड्स ये बिल्कुल साथ में है, इसमें ये वाला स्लिप नहीं कर सकते, तो इनको हम बुन लेंगे। ये देखिए,
ये हमारा स्लिप करा हुआ फंदा है, इसके पहले वाला आपको स्लिप करना था, बट ये एज पे है इसलिए हम इसको बुन लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी बुन लेंगे, ये भी बुन लेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये स्लिप करा हुआ फंदा है, इसके पहले वाला आपको स्लिप करना है। ये देखिए, नेट और नेट, यानी कि दो सीधे आ गए हैं हमारे। ये देखिए वैसे ही चलने लग जाएगा, दो सीधे एक स्लिप कर लेंगे, स्लिप करवाए हुए फंदे से पहले वाला। ये देखिए ऐसे, आपका ये डिजाइन देख के कोई भी उतार नहीं पाएगा, जब तक आपसे पूछेगा नहीं तब तक ये डिजाइन पता नहीं चलेगा। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बुनने में ये डिज़ाइन कितना इजी है, आपको बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। फंदे स्लिप करे हुए फंदे से जस्ट पहले वाला फंदा आपको स्लिप करना है। देखिए ऐसे, ये देखिए दो हमारे पास यहाँ सीधे आ गए, तो इसको हम स्लिप कर सकते हैं, क्योंकि दो दो के बाद हम ये डिज़ाइन आगे आगे चलाने के लिए, जैसे जैसे हमारा लास्ट में आता जाएगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। ये देखिए, दो के बाद हमें एक स्लिप करना है, हमने स्लिप किया, दो हमने बुने, अब स्लिप करने के लिए फंदा हमारे पास है, तो यहाँ पर स्लिप करेंगे। इसी के साथ ये रो हमारी कंप्लीट होती है। रोंग साइड में है रो नंबर 6। ये देखिए, बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लाएंगे, स्लिप करेंगे, पर्ल वाइज बुने हुए फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड वाली सारी रोज इसकी ऐसे ही बुनी जाएंगी। ये देखिए, इसको पर्ल वाइज स्लिप कर लेंगे, दो सीधे बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ लाके इसको स्लिप करेंगे और पीछे को करके फिर से बुनेंगे। हर बार ये आपको ऐसे ही करना है। ये देखिए, ये मैं रो बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ सारी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राइट साइड में हम इसकी रो नंबर 7 है। वैसे तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता दिया है, डिज़ाइन ऐसे ही चलता जाएगा। आपको सिर्फ जो स्लिप किया हुआ फंदा है उसके पहले वाला जस्ट स्लिप करना है, तो ये डिज़ाइन चलता जाएगा। अगर आप रिपीट करने का पूछो कि कितनी रोज के बाद ये रिपीट होगा, जैसे हमारी जो फर्स्ट रो में देखिए ग्रीन फंदे ये दो आए थे, तो ये दोबारा से रिपीट कहाँ से होगा डिज़ाइन? तो फ्रेंड्स, ये 12 रो के बाद 13वीं रो से ये रिपीट होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको आगे बता देती हूँ ताकि आपको पता रहे अच्छी तरह से। ये देखिए, दो फंदे ये सीधे बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, अब ये वाला फंदा है जस्ट इससे पहले वाला फंदा स्लिप करेंगे, दो बुनेंगे। थोड़ा थोड़ा बताऊंगी बस मैं अब आपको। ये देखिए, जस्ट इससे पहले वाला स्लिप करेंगे, दो बुनेंगे, स्लिप करेंगे, दो बुनेंगे। आगे आपका ऐसे ही चलने लग जाएगा। ये देखिए ऐसे, लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे आपका डिज़ाइन आता जाएगा आपको वैसे ही करते जाना है। जो आप देखिए, दो फंदे बुन रहे हैं, एक आप स्लिप कर रहे हैं, दो फंदे आप बुन रहे हैं। देखिए, दो हमने ये बुने, एक हमने ये स्लिप किया। ये देखिए, जैसे आपका लास्ट में आ जाएगा आपको वैसे ही इसको चलाते जाना है। दो फंदे आपको बुनने हैं और एक स्लिप करना है। ये देखिए, इसी के साथ ये रो कंप्लीट होती है हमारी। रो नंबर 8 में हम रॉन्ग साइड में इसको वैसे ही बुनेंगे जैसे मैंने आपको बता रखा है। दो आप सीधे बुनेंगे, जो आपके बुने हुए हैं वो बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, स्लिप करा हुआ फंदा स्लिप करेंगे, फिर से धागा वापस करेंगे और आप दो फंदे फिर से सीधे बुनेंगे, धागा आगे लाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे और फिर से दो फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरह ये रो आप बुन के कंप्लीट कर लीजिए। राइट साइड में हम रो नंबर 9 में ग्रीन कलर लगाएंगे।
ये देखिए, ये मैंने फंदा सीधा बुन लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन फंदा जो स्लिप किया हुआ है, इसके पहले जस्ट फंदा है हमारे पास, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, स्लिप कर लेंगे। स्लिप करे हुए फंदे से जस्ट पहले वाला फंदा, ये दोनों हम सीधे बुन लेंगे। बस अब यही चलाएंगे, फंदा स्लिप करेंगे, दो सीधे बुनेंगे, फंदा स्लिप करेंगे, दो सीधे बुनेंगे। ये रो आप ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ऐसे करते हुए दो बुन लीजिए एक स्लिप, दो बुन लीजिए एक स्लिप, ये करते हुए रो कंप्लीट कीजिए। रो नंबर 9 देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें लास्ट में देखिए सीधे फंदे 3 आए हैं, क्योंकि लास्ट वाला हम स्लिप नहीं कर सकते थे, तो इसकी रॉन्ग साइड में आते हैं। रो नंबर 10, इसको आप वैसे बुनोगे, बुने हुए फंदे आप सीधे बुनोगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, पर्ल वाइज ये फंदा स्लिप करेंगे, धागा वापस करेंगे और फिर से ये दो फंदे सीधे बुनेंगे जो बुने हुए हैं। धागा अपनी तरफ, फंदा स्लिप करेंगे और ये फंदे सीधे बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए ये रो फ्रेंड्स आप कंप्लीट कर लीजिए। राइट साइड में हम रो नंबर 11, अब आप देख सकते हैं कि ये फंदा स्लिप करा हुआ है, तो ये जस्ट इसके पहले वाला हम स्लिप नहीं करेंगे, एस स्टिच है इसको बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये भी बुन लेंगे और इसके पहले वाला ये वाला स्लिप होगा, ये भी बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे, अब जस्ट स्लिप करे हुए फंदे से पहले वाला फंदा स्लिप करेंगे। अब आपका देखिए वैसे ही चल पड़ेगा, फिर से दो आप बुनेंगे और एक स्लिप करेंगे, दो बुनेंगे, एक आप स्लिप करेंगे, दो बुनेंगे और एक आप स्लिप करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये रो ऐसे ही कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, रो नंबर 11 जो है मैंने कंप्लीट कर ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक इससे पहले जस्ट स्लिप करा हुआ फंदा आया है, तो आपका बैक में जैसे डिज़ाइन ख़त्म हो वैसे ही आप उसको ख़त्म कीजिएगा। तो रॉन्ग साइड में हम यहाँ पे ये फंदा बुन लेंगे जो बुना हुआ है आपके पास, धागा अपनी तरफ लाएंगे, स्लिप करा हुआ स्लिप करेंगे, धागा बैक जाएगा और दो फंदे, ये 12वीं सिलाई है इसकी लास्ट, धागा अपनी तरफ, फंदा स्लिप करेंगे, धागा वापस करेंगे, फिर से दो फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए ऐसे ऐसे ही बुनते हुए ये कंप्लीट कर लीजिए आप। देखिए फ्रेंड्स, 12 सिलाइयां इसमें डिज़ाइन की यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कितना सुंदर बन के आ रहा है, ये देखिए, और बुनने में बहुत इजी है। अगर आप जैसे पहले वाला फंदा मैंने बताया वो ही ध्यान में रखें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए, आपको स्लिप करे हुए फंदे से पहले वाला स्लिप करना है, बस यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो आपका डिज़ाइन आगे से बिल्कुल सही आ जाएगा, गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे वाला नहीं कर सकते हैं तो फिर आप 12 सिलाइयाँ रिपीट करने वाला देख लीजिए, क्योंकि ये 1 से लेके 12 सिलाइयाँ दोबारा रिपीट होंगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जैसे देखिए, आपने पहली सिलाई में दो ग्रीन डाले थे, ये देखिए, और तीसरा आपने स्लिप किया था, तो रो 1 जब आप रिपीट करेंगे, ये देखिए मैं रो 1 आपको बताती हूँ एक बार। आप यहाँ से अब आएंगे तो आपकी सेम टू सेम रो 1 से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, दो फंदे आप यहाँ से बुनेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये स्लिप करा हुआ फंदा है, तो इसके जस्ट पहले वाला फंदा आपका स्लिप करा हुआ आ जाएगा। ये देखिए, यही थी ना आपकी रो 1। रो 1 हमने ऐसे स्टार्ट की थी, दो ग्रीन एक स्लिप, दो ग्रीन एक स्लिप। देखिए ऐसे आप देख सकते हैं कि वैसे ही आपका ये आ जाएगा। तो ये रिपीट करके भी मैंने थोड़ा सा आपको दिखा दिया है रो 1 को। आपको ये 12 सिलाइयाँ बार बार रिपीट करनी है। तो अगर सीधा सीधा तो इस डिज़ाइन का यही है याद रखने का तरीका। ये याद रखना मुश्किल हो जाता है कि कैसे करेंगे,
सीधा तरीका इसका यही है कि जब भी आप सीधी साइड की सिलाई डालोगे, कलर चेंज करोगे, तो आपको क्या करना है कि आपने जो पहले फंदा स्लिप किया है उसके जस्ट पहले वाला फंदा आपको स्लिप करना है। अगर तो यहाँ पे है जगह स्लिप करने की तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखिए कि जब आप अगली सिलाई में आएंगे रॉन्ग साइड की बुन के, तो यहाँ पे आपके पास दो फंदे हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं स्लिप करना, ये देखिए। तो अगर आपके पास फंदा ना हो, एक ही फंदा हो, तो आप नेक्स्ट फंदों से स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका सबसे इजी तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो रिपीट करने का मैंने इसलिए बताया है कि कईयों को ये ऐसे नहीं पता चलेगा, तो वो रोज इसमें याद करके रिपीट भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आप बुनिए अपने बच्चों के लिए, किसी भी एज के बच्चे के लिए ये बुनिए, बहुत सुंदर डिजाइन लगेगा। छोटे बच्चे के लिए बुनिए, बड़े बड़े बच्चों के 10-12 साल तक के बच्चों के लिए, किसी के लिए भी बुने, बहुत सुंदर बन के आएगा ये डिजाइन। और इसमें आप कोई भी कलर लगाइए, बहुत बढ़िया बनेगा। तो आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए, और प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।